बताएं मामा जी आप भी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हमारे क्षेत्र में ऐसे मेले होते हैं कहीं पे भी, तो मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि अवश्य आएं और अपनी संस्कृति को। ये हैं खिलाड़ी आज के टूंगरा थात के, सारे खिलाड़ी कुछ इस तरफ के हैं और बड़े मुस्कुराते चेहरे, और आज सब हमारे मुख्य मेहमान हैं सब ये। तो कैसा लग रहा आप सभी को आज का है? ये माहौल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो बताया कुछ सर? मिलन होता है। उत्तराखंड पुलिस के जवाब हैं और दूसरे सीपी हमारे, आप भी बताएं कुछ। अच्छा है, काफी अच्छा भी होगा। आचार्य भी, माननीय महोदय आप भी बताएं। और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बताएं मामा जी आप भी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हमारे क्षेत्र में ऐसे मेले होते हैं कहीं पे भी, तो मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि अवश्य आएं और अपनी संस्कृति को हमें बचा के रखना होगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे हमारी इसी से जो हमारी पहचान भी है, और हमें जो बहुत ज़रूरी है हमें अपनी संस्कृति को बचा। दूसरी पट्टी से हमारे मौसा जी आप कुछ। चलो थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपका। अगर आप मतलब यूथ का सपोर्ट चाहिए आपको, इसको मतलब टूरिज्म के रूप में आप डेवलप करना चाह रहे हैं, ये तो कहना चाह रहे हैं। हमें जो है सभी पूरा एक इसका व्यू बना दीजिएगा, ये पूरा देखो जरा व्यू। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। बिल्कुल, पीछे इस तरफ को घास का मैदान है और इस तरफ कोई बात कर रहे हैं ये लोग, तो यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट आता है पूरा ये, और इसके पीछे भी, और यहाँ का लोकेशन है पिछले वाला। इसके नीचे भी पूरे बांध का पेड़ है, इतना सबसे जो उत्तराखंड में हमारा माना गया है कि बांध का पेड़ एक सबसे अच्छा पेड़ माना गया है। अच्छा, बांध का पेड़। तो मैं लोगों से भी यही गुजारिश करूँगा कि जो भी बांध का पेड़ जो है अधिक से अधिक लगाए, क्योंकि बांध का पेड़ ऐसा होता है पर्यावरण की दृष्टि से बहुत मुख्य रूप से अच्छा होता है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपसे बात करके, रियली नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। तो स्थानीय मेला जिसको हम, ये इसका नाम है टूंगरा थात, कई बार यहाँ पे श्रीमद् भागवत हुआ था एक दो साल पहले, हालांकि बार बार यहाँ आयोजन होता रहता है। इष्ट देव इस पट 27 गांव की पट्टी है, उसका एक इष्ट देव है राजा रघुनाथ जी, उनकी डोली सामने है, ये यहाँ पधारे हैं आज, और आज यहाँ से प्रस्थान हो रही है नौगांव बॉर्डर, उसके बाद पूरे 27 गांव घूमना है इसने। हालांकि ये लोग हैं मामा जी मताड़ी से हैं, कलोज गांव पास में हैं, इस प्रकार से घूमते रहते हैं एक दिन सभी के यहाँ, तो आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ ये मेला होता है। खैर आगे की हम आपको दिखाते प्रोसेस। अरे वाह संगीत भाई, बज गया है और मेरे साथ छोटी छोटी बहन है ये चंचन, हाय करो एक बार।
और हम जा रहे हैं नीचे अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा यार खाने को। हो सकता है सनसेट हुआ रहा होगा, लेकिन फिर थोड़ी देर में हम फिर ऊपर आएंगे, फिर बात करेंगे आपसे। मैं वापस जा रहा हूँ ऊपर थात में जहाँ देवता है, और अब हमको देवता उठाना है कुछ ही देर में। देवता की डोली उठा के नौ गाँव को डोले जानी है। अरे मैं अरे बस फोटो ही गड़बड़ हाँ भाई भाई जी को दे बोले मुँह भाई जी ने बोले दीदा बोले मुँह दीदा दादा बोले दादा सुधा हो दादा के और ये है राजा रघुनाथ की देव डोली, और साथ में पीछे जो है माली है उनके साथ में खड़े हैं। जो यहाँ पे सामने पे एक ब्लॉग पिछले जो जानी ब्लॉग है, जो ये है वो टॉप जहाँ से मैं दिखा था आपको। बाकी इस तरह को पीछे पैक हॉल है, यहाँ से हम लोकल की घाटी दिखाई थी हमने। और ये है राजा रघुनाथ की जो थात है, पूरा मैं दिखाऊँ पूरा इस तरफ को पूरा। यहाँ पे कुछ दुकानें आई हैं, लोग शायद मैगी कुछ दे रही है, बिक रही है यहाँ पे। और ये पूरा इस तरफ को ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। इसके सामने टॉप की बात सीधे की बात करें तो यहाँ पे नौ गोड इस घाटी में, तो ये है यहाँ पे चौल थी, हालांकि बहुत छोटी हो गई, पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी। ये वक्त का नज़ारा क्या है कि अब देव डोली हमारी तैयार हो गई है, हम नौगांव बॉर्डर के हैं, वापस ले जाएंगे अपने गांव इसको। और जो मेहमान हैं सभी लोग आएंगे साथ में, और आगे का जो प्रोग्राम है मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाऊंगा अभी लेकर चलता हूँ। फिर अब आप इसके बाद उठाते हैं डोली और फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं अभी आपको। संघ धुनी के साथ शुरू हो गई है इष्ट देव राजा रघुनाथ की डोली का पैंता उठा लिया है गुड्डू ने, और हमारे माली जी तैयार हो रहे बिल्कुल। देव डोली है, ये लोग नचा रहे हैं। तो भीड़े यहाँ मेरे।